नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एसटीजी न्यूज के चैनल में। जैसा कि देख सकते हैं, इस वक्त की जो बड़ी खबर है, ये पोस्टर आपको जो दिखाई दे रहा है, ये पोस्टर काफी वायरल हो चुका है और इसको जिहादियों से जोड़ा जा रहा है। जैसा कि आप टाइटल में देख सकते हैं, आज डॉक्टर वंदना तिवारी की मृत्यु हो गई है। इस्लामिक जिहादियों ने उन पर हमला कर दिया और इनकी मौत हो गई है। क्या है इसकी सच्चाई, हम बताएंगे, क्योंकि सच हम बताना हमारा पहला प्रायोरिटी होता है। क्योंकि आज सोशल मीडिया के जमाने में हमें ये नहीं पता चलता है कि ये कोरोना के समय में लोग जिहादियों से जुड़ रहे हैं, कितना सच है कितना झूठ है, इसकी हम तहकीकात करके सच्चाई हम आपके सामने रखने वाले हैं। बने रहिए और लगातार इस वीडियो को देखते रहिए। कोरोना वायरस का संक्रमण जैसे जैसे दुनिया में फैल रहा है, वैसे वैसे सोशल मीडिया पर जुड़ी गलत जानकारियां भी फैल रही है। हम लगातार सोशल मीडिया पर वीडियो को शेयर करते हैं और दावे की सच्चाई को बिना पता किए हुए उसको हम शेयर करते हैं। इसी दौरान एक घायल महिला की तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। जैसा कि उसकी तस्वीर में देखा जा सकता है कि महिला के सिर पर गंभीर चोट दिख रही है। मैसेज में बताया गया है कि ये महिला मध्य प्रदेश की डॉक्टर वंदना तिवारी जी हैं और उनको कोरोना मरीज यानी वो संक्रमित हो चुकी हैं। महिला उत्तर प्रदेश यानी डॉक्टर वंदना तिवारी के दावा किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीजों की इलाज करने गई, जहां पर कथित इस्लामिक जिहादियों ने उन पर हमला कर दिया और गंभीर रूप से चोट हो गई, कारण चोट के कारण उनकी मृत्यु भी हो गई, जैसा कि आपको ये दावा किया जा रहा है। ट्विटर पर एक अर्णव गोस्वामी जैसे अकाउंट से इस ट्वीट को काफी बार शेयर किया जा चुका है और उसमें कहा गया है कि आज डॉक्टर वंदना तिवारी की मृत्यु हो गई। पिछले हफ्ते यूपी में कोरोना वायरस के टेस्ट में इस्लामिक जिहादियों ने उन पर हमला कर दिया और वो घायल हो गई, आज उनकी मौत हो गई। जैसा कि आप ट्वीट में आप देख सकते हैं, ये तमाम चीजें आपको हम दिखा रहे हैं और इसकी तहकीकात करके सच्चाई भी आपको हम बताने वाले। इस तस्वीर को खूब वायरल किया जा रहा है, ट्विटर और फेसबुक में इसको वायरल किया जा रहा है और इसका हैशटैग है कि आ थूक जिहादी के नाम से खूब शेयर किया गया है और तमाम लोग इसको शेयर भी किया जा चुका है। जैसा कि 11,000 तक ये शेयर किया जा चुका है, लेकिन इसकी सच्चाई से आप परे हैं, हम सच्चाई बताने वाले हैं। आप बने रहिए वीडियो के साथ, लगातार देखते रहिए। तस्वीर को रिवर्स ईमेल में जब हमने इसकी सच्चाई पता कर रहे हैं, जब इस तस्वीर को रिवर्स इमेज में सर्च करने पर 7 अप्रैल 2020 को भोपाल के समाचार रिपोर्ट में मिला कि बताया जा रहा है कि शिवपुरी मेडिकल कॉलेज के फार्मास्यूटिक्स वर्मा तिवारी को एक कोरोना संक्रमित के खिलाफ काम करने वाली टीम में 31 मार्च को अचानक ऑन ड्यूटी थी। उनकी तबियत खराब हो गई है, जिन्होंने अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाद में उनकी तबियत बिगड़ गई और 1 अप्रैल को बिरला अस्पताल में लाया गया। डॉक्टर ने बताया कि तिवारी की ब्रेन हैमरेज से मौत हो गई है, जो कि दावा किया जा रहा है जिहादियों से। सबसे बड़ी चीज निकल के आ रही है कि इनकी मौत जो हुई है ब्रेन हैमरेज से हुआ है, ना कि इसको कोरोना से जोड़ना, ये सबसे बड़ी बात है। उनका ऑपरेशन भी किया गया लेकिन उसके कोमा में चली गई और उसके 7 अप्रैल को उनकी मौत हो गई है। जो ये दावा किया जा रहा है जिहादियों से इसको जोड़ा जा रहा है, ये बिल्कुल सरासर गलत है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यूपी का जो ट्विटर हैंडल है उस पर लिखा गया है कि भ्रमित सूचना फैलाया जा रहा है, जो ये कि वंदना तिवारी की जो घटना मध्य प्रदेश से संबंधित है, ना कि उत्तर प्रदेश से। तो ये जो यूपी पुलिस कह रही है, साफ साफ क्लियर करिए कि जो ये घटना है वो मध्य प्रदेश की है, ना कि उत्तर प्रदेश की है। दूसरी चीज ये भी निकल के आ रही है कि इनकी घटना जो ये ब्रेन हैमरेज से हुआ है, ना कि कोरोना से हुआ है। लोग इस वीडियो को काफी वायरल कर रहे हैं सच जाने हुए भी। आगे ट्वीट करते हुए उनके एक फ्रेंड ने, यानी सत भगवान सी नाम के एक यूजर ने, जो उनके फ्रेंड बताए जा रहे हैं, उनके द्वारा एक ट्वीट किया गया। उन्होंने तिवारी ने बताया कि ये वीडियो शेयर करते हुए कहा कि वो सरकार से सहायता मांग रहे हैं। उन्होंने खुद वंदना तिवारी के परिवार का सदस्य बताया है। इसके चलते हमने उनसे संपर्क किया, उन्हें बताया कि मैं उनकी फैमिली फ्रेंड हूं और वंदना जी के शिवपुरी मेडिकल कॉलेज में काम करती थी। उनकी मौत ब्रेन हैमरेज की वजह से हुई है, उन पर किसी मुस्लिम व्यक्ति पर हमला करने का कोई मामला ऐसा सामने नहीं आया। सत्यवान ने जो वीडियो शेयर किया है, पहले उस वीडियो को आप देखिए। समय पे नहीं देख रहे थे तो एक दिन मैंने उसको मार रखा। उसके बाद जब हालत गंभीर होती जा रही थी तो फिर मैंने संपर्क करके
बिरला हॉस्पिटल में डॉक्टर अभिषेक चौहान जी के द्वारा संपर्क करके उसने मैंने यहाँ ठीक कराया और इसका ऑपरेशन हुआ, लेकिन वो मामला है, लेकिन सरकारी तरफ से अभी तक कोई रिस्पॉन्स मुझे नहीं मिला है। इस तरह से मध्य प्रदेश की ब्रेन हैमरेज की वजह से हेल्थ वर्कर की मौत की घटना सोशल मीडिया पर मुस्लिम समुदाय पर निशाना साधते हुए शेयर किया गया। बंदा तिवारी, ये शेयर बिल्कुल झूठा है। उत्तर प्रदेश का कोरोना मरीजों का इलाज करते हुए ये जिहादियों से उन पर जोड़ा गया है, ये बिल्कुल गलत है। ये किसी भी पार्टिकुलर समुदाय से जोड़ना यह बिल्कुल गलत है। तबलीगी जमात यानी दिल्ली निजामुद्दीन में कार्यक्रम में आयोजित किया गया था, कार्यक्रम में जुड़े कई लोग इसमें कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और इस जगह से महामारी का हॉटस्पॉट बताया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि थूक कर कस्टमर को चेहरे पर मालिश करते हुए कई सारे समुदाय वीडियोस को जोड़ा जा रहा है। भारत में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 5800 के पार पहुंच गई है। इसी वजह से सरकार की बुनियादी जरूरतों से जुड़ी चीजों को छोड़कर बाकी सभी चीजों पर पाबंदी लगा दी गई है। दुनिया भर में 15 लाख से ज्यादा कन्फर्म के सामने आए हैं और 89,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लोगों का डर का माहौल बना हुआ है, इसी वजह से बिना जांच पड़ताल किसी भी खबर को विश्वास कर रहे हैं। लोग गलत जानकारियां के शिकार बन रहे हैं जो कि इसके लिए घातक साबित हो सकता है। ऐसी कोई वीडियो या तस्वीर या वायरल हो रही है जो घरेलू नुस्खे को बुनियादी जानकारियों को बढ़ावा दे रही है, आपको इरादा ठीक हो सकता है, लेकिन ऐसे स्थिति में गलत जानकारियां जानलेवा हो सकती है। हम पाठकों से अपील करते हैं कि बिना जांचे परखे वेरीफाई किसी भी मैसेज को पर विश्वास न करें और न उसे किसी भी जगह फॉरवर्ड करें, खासकर सोशल मीडिया पे। आपके पास भी कोई ऐसी खबर है जो कि लगता है कि ये इसमें सत्यता नहीं है, इसकी सच्चाई नहीं है, तो आप हमारे पास भेज दीजिए। हमारा ईमेल आईडी नोट कीजिए, stgnews9@gmail.com। हमारी टीम इसको प्रॉपर तहकीकात करती है और सच्चाई के पता करती है और तथ्यों के साथ आपके सामने रखती है, क्योंकि जो आजकल सोशल मीडिया पर पता नहीं चलता है कि कौन सा वीडियो कब का है, कहाँ है, कैसे है, ये लोग शेयर कर देते हैं जिनके लोग के समाज के अंदर एक नफरत पैदा हो जाती है। जैसा कि हमने तथ्यों के साथ ये बताया कि जो डॉक्टर वंदा तिवारी की जो मृत्यु हुई है वो इस्लामिक से जोड़ना यानी इस्लाम जिहादियों से जोड़ना इसको बिल्कुल सही नहीं है। एक घटना अलग है जो कि आपको बताया गया है कि ब्रेन हैमरेज से इनकी मौत हो गई है। तो आज के न्यूज में यही है, वक्त हो गया है विदा लेने का। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिए एसटीजी न्यूज चैनल के साथ। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस पेज को लाइक कीजिए। धन्यवाद।